नमस्कार, के नाइन मीडिया के साथ में योगेश वत्स। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके दी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम लॉकडाउन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि ये तभी सार्थक हो पाएगा जब दिल्ली पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले NCR में भी लॉकडाउन लगा दिया जाए। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। आपको बता दें कि जब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 0 से 50 के बीच रहने पर हवा को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 और 100 के बीच AQI संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। वहीं AQI जब 101 और 200 के बीच रहता है तो प्रदूषण को मध्यम और 201 और 300 के बीच इसे खराब माना जाता है। 301 और 400 के बीच हवा को बेहद खराब माना जाता है, जबकि 401 और 500 के बीच AQI को बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए शनिवार को 1 सप्ताह तक स्कूलों को बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर रोक, सरकारी कार्यालयों में कर्मियों के घर से कार्य करने समेत कई आपात कदमों की घोषणा की थी। दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी कड़ा कदम उठाया है और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें KNN मीडिया के साथ। नमस्कार।